औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद बीमा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूँ खुश आमदेद। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक ताजदारे खत्म नबूवत के हवाले से होगा। और पहले मैं स्टूडियो में चलूँगा, मुझे आज एक ऐसे मेहमान ने ज्वाइन किया है जो अभी कुछ देर पहले गोल्ड मेडलिस्ट रोज़ न्यूज़ का जो मुकाबला था वो विन कर चुके हैं। और आपको बहुत बहुत हसनैन मुबारकबाद देते हैं जी। और हाउ यू फील राइट नाउ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और अल्लाह का करम है और सरकार की सना का सदका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप की दुआएं साथ हों, आप सब भाइयों की, बड़ों की, सीनियर्स की दुआएं साथ हों तो अल्लाह पाक करम करते हैं। ऐसे सरवरदी साहब, आपको भी खुश आमदेद करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती ऐसा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ ले कर आए। अहमद नवाज़ भाई ने आज हमें ज्वाइन किया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। और मुझे पता किसी और काम के लिए आप आए रहे थे, तो चले थोड़ा थोड़ा टी वी हो जाए, एक एक काम जो है ना टी वी हो जाए। ठीक है आपसे ठीक है। अच्छा भी नक्सवंदी साहब ठीक है आपसे ठीक है, फिट है आप, माशाल्लाह सलामत हैं आप, दिन ब दिन आप जवान होते जा रहे हैं। राजूकार, आज का मेरा टॉपिक बड़ा, मैंने आपको कोटन गजी की बताया कि ख़त्म नबूवत के हवाले से होगा। हम दुनियावी लिहाज से कहें तो महबूब की मोहब्बत को अगर कोई और कहे तो हम उसे कहते हैं कि बेवफा है। मतलब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करना है और फिर मैं इस टॉपिक को आगे लेके चलूँगा। मुफ्ती असद साहब और बाकी मेरे साथ जो उलमा इकराम होंगे उनसे मुख्तलिफ मैं सवाल करूँगा। अगर हम कंपैरिजन ये करें कि हमारा दीन कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं, तो इसको वन लाइनर में बताया जा सकता है कि कोई अगर आका करीम को मानता है, आका करीम की सुन्नत को मानता है, इस्लाम को मानता है, तो पहली शर्त यही है कि आका को पहला भी माने और आखिरी भी माने। दूसरी बात, आप लोगों को गुफ्तगू में शामिल करूँगा। मोहब्बत के बारे में मैंने बात की, मोहब्बत दो तरह से होती है। एक तो मोहब्बत होती है यक तरफ़ा, उसमें कहीं भी कभी भी छोड़ जाने का इम्कान मौजूद होता है। मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत चाहने वाला जब चाहे जैसे चाहे अपने आप को मूव कर लेता है, क्योंकि उसको दूसरे की मोहब्बत से गर्ज होती है कि कब मेरी तरफ ये निगाह उठा के देखेगा। अब एक और मोहब्बत होती है जिसे कहते हैं कि दोनों तरफ से आग लगी हुई है, ये दोनों मोहब्बत करते हैं। चलें ये भी हो गया, अब एक और तरफ आगे जाते हैं, दुनियावी मोहब्बत से निकलते हैं और जाते हैं एक ऐसी मोहब्बत की बात करते हैं कि ऐ महबूब, अगर तुम्हें बनाना मकसूद ना होता तो खुदा की कसम मैं चरिंद परिंद दरिंद कुछ ना बनाता। कहीं कहा गया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं कहा गया तब्बत यदा अबी लहाबिम व तब, टूट जाएं तेरी उंगलियां ऐ लहब जो तूने मेरे महबूब की तरफ उठाई। कहीं कहा गया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाज़ुकार, हमने तो छोटे होते सुना है सारे नबियों के होते बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमें तो मालूम है वो करीम आका का जो अंदाज़ा भी लगाना कि कोई और है ये शिर्क से बढ़कर है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह केस लड़ रहे हैं, कहा ए इल्मुद्दीन तुझे किसी ने नहीं देखा मारते हुए, आज आ मेरी बात मान, तुझे जज के सामने पेश करता हूँ तो इनकार ही हो जा, कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया। इल्मुद्दीन तू वैसे भी मुसलमानों का हीरो बन चुका है। कहा ए मोहम्मद अली सुनो, जिस दिन से उसको मैंने जन्म वासिल किया है रोज़ आका ख्वाब में आते हैं कि इल्मुद्दीन का मुलाकात होगी। वक्त शहादत है, वक्त है कबर कुशाई का। इलामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह की, तूने मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कब्र में उतरे और उतर के कहा लोगो देख लो ये लोहार का बेटा अब्बाजी ले गया, तुम देखते रह गए। बड़ी बड़ी दुनिया ने देखे, आज कौन नहीं भूला मुमताज़ कादरी को, कौन कौन याद रखे हुए मुमताज़ कादरी को। नाम आता है तो और कुछ भी दिलो दिमाग में नहीं आता, यही आता है कि मार दिया था उसने जिसका उसने सुना था कि करीम आका की शान में उसने गुस्ताखी की थी। राजूकर, बात आजकल की नहीं है, ये 1500 साल पहले की बात है कि जब आका करीम दुनिया से ज़ादी पद्दा फरमा गए। परचाने वाले कोई नात लिख रहा है, कोई अकीदत के फूल हर अंदाज में निछावर कर रहा है, लेकिन जो ही गुस्ताख पैदा होते हैं किला कमंद कर दिया जाता है। अपनी साजिशें तो छोड़ें, मगरबी पूरे ममालिक के झंडे में शामिल थे कि कौन राज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
वो जो अल्लाह का वादा था कि ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया, तो बुलंदी से ये मुराद थी कि डेली ऊंचाइयों पे जाना, बुलंदी से मुराद थी कि चीज़ का परवान चढ़ते रहना, ऊपर होते रहना। तो जब अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से बना दे, फरमा दे, तो फिर उसमें झूठ कैसा, फिर उसमें ममानियत कैसी, फिर उसमें दूसरा डाउट कैसा। क़िबला आपको गुफ्तगू में शामिल करूँगा दोनों भाइयों को। अगर महबूब के गुण पूरे हो ना, खूबसूरत हो, सोनी जुल्फा हो, बड़ा माथा हो, खूबसूरत कद हो, नए नक्श प्यारे हों, हाथ अच्छे हों, चलने फैलने का बेहतरीन अंदाज हो, बोलने की गुफ्तगू समझने का बेहतरीन अंदाज हो, तो फिर इंसान उसी महबूब तक रुक जाता है। मतलब ये कोजी शक्लों वाले, ये काले कलोटे अपने आप को आका करीम के जो धूल के मुताबिक ना थे, वो क्यों ऐसा कह सकते हैं? मैं अगर एक छोटी सोच से सोचता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि चलें चलें मान लिया ये, लेकिन महबूब तो तब बंदा एक्सचेंज करता है ना, या तब और लेकर आता है ना, तब तो नया चाहिए होता है ना जब पुराने वाले में कोई नुक्स हो। समझ आ रही है बात सरवरदी साहब? अब मामला ये है, करीम आका के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं, करीम आका की आंखें जैसी किसी की आंखें नहीं, करीम आका के बालों जैसे किसी के बाल नहीं, करीम आका के लोहाबे दहन जैसा किसी का लोहाबे दहन नहीं, इवन के मैं बोल लूँगा कि यूरिया यूरिया, मतलब आसान लफ्जों में बोलूँगा यूरिया जैसा यूरिया नहीं। जहाँ जाते हैं पसीने की बू आती है, जहाँ बैठते हैं सहाबा कराम भाग के आते हैं वजू करते वक्त, जो पानी नीचे है वो गिरने नहीं देते। अगर ऐसा किसी का महबूब हो तो फिर लानत भेजे मतलब सारी दुनिया पर, बाकी फिर किसी से लेना देना क्या। तो अल्लाह ने अपने महबूब पे ख़त्म कर दिया सब कुछ, और फिर इसीलिए लोग हम आजकल एक ही नारा लगाते हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत। फैसल सोबड़ी साहब बढ़ाइएगा इस बात को अपने कलामी अंदाज में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब लौहा भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबागी रंग तेरे मोहित में आबाद गुंबद आबागीना रंग तेरे मोहित में आबाद करे जुने दो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज कयाम भी जाब मेरा सुजूद भी जाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद
अकल गयाब जुस्तजू इश्क हुजूर इस्तराब, अकल गयाब जुस्तजू इश्क हुजूर इस्तराब। बिस्मिल्लाह मोहम्मद हसैन। मैं तो कहता हूँ कुछ और सुनाओ, जिस लय पे आखिरी शेर आके पड़ा था ना गुस्से से, वही सुनाओ। बिस्मिल्लाह। नसीबा वाले नसीबा वाले ले आनू यार दे दीदार हुंदे ने तड़प दे ने जो अज यारो कल दरबार हुंदे ने नसीबां वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने गुनाह कहंदे ने गम खारी ते इंज गम खार हुंदे ने हो नसीबां वाले आनू यार दे दीदार हुंदे ने। यासीन भाई अकीदे का शेर है। बिस्मिल्लाह। हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा सारा हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा के कर द कर सारा रजा जे यार दी होवे ते कद इनकार हुंदे ने रजा जे यार। मक्ता यासीन भाई। जहीर ओ हो नहीं रख दे
हशर दे तेहाना दा जेड़े सैयदा दे बच्चियां दे बई खिदमतगार हुंदे ने नसीबां वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने। अहमद भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है आपकी। फरमाइएगा, अगर मैं हम बात करें ओवरऑल जो आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, आप एक इलाके से एक रिपोर्टिंग भी करते हैं और मुख्तलिफ मामला भी देखते हैं, क्या समझते हैं आजकल ये जो खत्म नबूवत का दावेदार है या नारा है, इससे अफेक्टिव हुआ है, बेहतरी आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है या नहीं? यासीन भाई, बेहतरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आ तो क्या रही है, बेहतरी है, और इस बेहतरी पे अगर बात की जाए तो वो कम है। और जो मुसलमान है और कलमा गो है तो वो ताजदार खत्म नबूवत पे ना कोई कम्प्रोमाइज़ करेगा और ना कर सकता है। तो उसकी जान तो क्या, उसका खून का एक एक कतरा जो है हजूर की शान में, और अल्फाज नहीं मिलते कि हम क्या अल्फाज अदा करें कि जब आप हजूर की बात करेंगे तो बस वो फिर आखिरी ही बात होती है, और उसकी गुस्ताखी में कोई गुस्ताखी या उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो किसी इंसान और किसी दुनिया के मुसलमान से भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, वैसे ही मैंने तकलीफ दी। शबीर नक्शबंदी साहब, इसमें लादोश है। के चाईदा गदानु सरकार जान देने की चाईदा गदानु सरकार जान देने आशिक अदानु सरकार जान देने की चाहिदा गदानु सिद्दीक दी वफानु उस्मान दी हयानु सरकार जान देने की चाहिदा गदानु हिजरत दी रात अपने अपने अली बिरानू सरकार जान देने की चाहिदा गदानू कुछ ना था पास मेरे से पहले कुछ ना था पास मेरे कुछ ना था पास मेरे उनकी अता
से पहले हर तलब पूरी हुई। ओ मेरी दुआ से पहले हर तलब पूरी हुई। मेरी दुआ से पहले कुछ ना था पास मेरे, उनके दरबार में आ जाओ सवाली बनकर, भीख देते हैं वो साइल को सदा से पहले, भीख देते हैं वो हश्र में शाह शफात के तोहफे, हशीर में शाफाए महाशर की शफात के तोहफे, कर दिया रब ने बरी मुझको सजा से पहले, कर दिया रब ने बरी मुझको सजा से पहले, कुछ ना था पास मेरे भरने वाला है मेरी उम्र का पैमाना रिया, काश जा पहुँचूं मदीने में कजा से पहले, काश जा पहुँचूं मदीने में कजा से पहले, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया जी अलामा मुफ्ती तारिक हुसैन रिजवी साहब ने, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अलामा साहब, आप तशरीफ लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती असद साहब तो मेरे साथ पहले ही मौजूद थे और मेरे बड़े अच्छे दोस्त आके यकदम हैरान हो गए कि हुआ क्या, मुझे भी नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। मुफ्ती इकबाल हज़ारवी साहब और उन्होंने सामने बैठे हुए आसिफ भाई, आसिफ भाई और मैं अभी इकट्ठे थे, हम प्रोग्राम ही कर रहे थे तो हम दोनों को नहीं पता कि क्या हुआ है। मौजू की बरकत है जी, किबला खुश आमदेद कहूँगा जी फिर आपको। फरमाइएगा कि हम जो सोशल मीडिया कंपेन्स करते हैं, गालम गलोच करते हैं, इससे अच्छा नहीं है कि ये टॉपिक प्रॉपर कंसेप्ट के साथ बैठ के समझे और अपने माइंड को क्लियर करे और ये चीज़ हमें समझ आ जाए। जी डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का कि आपने बहुत ही खूबसूरत और हसास मौजू का इंतखाब किया। सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान की असल और बुनियाद है जिस पर इस्लाम की सारी इमारत खड़ी है,
और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इस पर अपनी दलील ये इरशाद फरमाई है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के जर्रों के बराबर गवाही देता हूँ कि मैं आखिरी नबी हूँ। इतनी बड़ी दलील के बाद जब हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान, ये मकाम और ये मर्तबा अता कर दिया तो हमें चाहिए कि हुजूर की उस शान खत्म नबूवत का इजहार किया जाए, हुजूर के मकाम और मर्तबे की बात की जाए, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर गालम गलौज या इस तरह के मामलात में तो पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है। मकसद ये कि हुजूर के कमालात का जिक्र हो और शान खत्म नबूवत हुजूर का सबसे बड़ा मकाम है और ये वो शान है कि जिसकी आमियत को हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जंगे यमामा के मौके पर आपने कानून बनाया था अपने दौर के अंदर कि जो हुजूर के बदरी से आबी हैं, जो बदर के अंदर गए हैं, वो किसी और जंग के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत का मसला हुआ तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्होंने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ा है। फरमा ये इतना हसास मामला है कि मैं अपना बनाया हुआ कानून, मैंने कहा था कि बदरी से आबी अब किसी और जंग में नहीं जाएगा, लेकिन अब चूंकि हुजूर की खत्म नबूवत का मामला है, अब बदरी हो या गैर बदरी, अब बूढ़ा हो या जवान हो, वो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मामा जाएगा और हुजूर की खत्म नबूवत पर पैरा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक और चीज भी आती है, मेरी और आपकी वालदा या जितने भी इधर बैठे हुए हैं, हमारा मतलब तल्लुक रखता है कि इस जगह से है, हमने तो छोटे होते से सुना कि मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, फिर हमने सुना नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, फिर हमने सुना तलाल बदरू अलैना, मतलब ये जो सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, ये समझी जाती हैं, हमें तो दुख नहीं मतलब लगता है, डर से जाते हैं, कुछ सुनते हैं किसी ने गुस्ताखी भी की है तो मतलब एक, लेकिन ये कौन माएँ होती हैं जिनकी तरबियत ऐसी गंदी होती है कि वो का ला के करीम आका की जो है ना नबूवत पे जो है वो हमला करने की कोशिश करते हैं, ऐसे घटिया किरदार कौन से हैं आजकल के दौर में? देखिए ऐसे घटिया किरदार की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप औलाद को दीन की तरफ नहीं लाएंगे, उन्हें अपने आका और मौला का मकाम और मर्तबा नहीं बताएंगे, तो यकीनी बात है जब आप अपनी बच्चों में बैठकर आप कभी बदर ओद और उनका जिक्र करेंगे जिन्होंने हुजूर के साथ वफा की है, हुजूर की इज्जत और अजमत पर पहरा दिया, तो यकीनन यकीनन बात है कि फिर आपकी गोद में पलने वाले फिर दीन के पहरेदार पैदा होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के चौकीदार पैदा। तो सबसे बड़ी बात है कि गोद के अंदर तरबियत दी जाए अपनी औलाद को, क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ, अदिबू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्बा नबीकुम व हुब्बा आले बैती व तिलावत अल-कुरान, की अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी का इश्क सिखाओ, अपने नबी के मकाम और मर्तबे की बात समझाओ, फिर तुम्हारी गोदी में परवान चढ़ने वाला फिर गाजी अल-मुदीन की सूरत में किरदार अदा करेगा, और फिर तुम्हारी गोदी में कोई ऐसा होगा जो कांस्टेबल भी होगा लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत का होगा तो गाजी मुमताज कादरी भी होगा। अकबर अज़हरी साहब खुशामदीद कहता हूं आपको, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊंगा, असद भाई क़िबला बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे, हम लोग बच्चों की तरबियत तो कर पा रहे हैं, जो क्या होता है ना कंसेप्ट क्लियर करना, एक्सीलेंस में और जो सक्सेस में फ़र्क नहीं होता, कि सक्सेस तो वो होगी जो आप दो चार पे कमाना शुरू हो गए, इससे मैं रेलिवेट करूँगा, मुसलमान तो हम हो गए कि ठीक है कान में अजान दे दी, एक्सीलेंस ये होती है कि आपको उस चीज़ का पता होता है वो है क्या, उसकी अफादियत क्या है, क्वालिटी क्या है। हमें बतौर मुसलमान सिर्फ इस चक्कर में क्यों लगाया जाता है कि नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, सदक़े दो, जुमराते कर लो, चालीसवें कर लो, हमें इस इस्लाम की बेसिक रूह क्यों नहीं समझाई जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। सबसे पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपने इंतहाई खूबसूरत मौजू की तरफ हमें मुतवज्जो फरमाया है। सबसे पहले बात जो क़िबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि अकीदा ख़त्म नबूवत, इसकी बेस को हमें समझना होगा, और फिर हमने जो आपने सवाल किया उसकी तरफ हम आते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत अल्लाह रब ज़ुलजलाल का कुरान कहता है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना ख़ातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी, ला नबी आबादी का जुमला ये बता रहा है कि ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा जो है वह बंद हो चुका है। हालात हाजरा के अंदर जो आपने सवाल किया है, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनके सीने के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार बिठाना होगा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपने खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी, आप फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे वफादार बने, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बाअदब बन जाएँ, तो उनके सीने के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार मोहब्बत का दर्स दो और उनके सीने में ट्रांसफ़र करो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, तो जब वो बड़े हों जाएंगे तो जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया है कि वह कोई तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बनेगा, कोई गाजी आमिर चीमा बनेगा, कोई मलक मुमताज़ हुसैन कादरी बनेगा, और जब हमारे बच्चे इस तरबियत पे आएंगे
तो फिर वो अपने वालिदैन के बाद भी बन जाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है वो नूरुन अला नूर भी होगी। शॉर्ट से जवाब दीजिएगा, उधर जाना है मैंने, हम ऐसे किरदार बनाते क्यों हैं कि उनके सर कलम करने पड़ते हैं? हम अगर डे फर्स्ट से घुट्टी प्यार मोहब्बत की डालें और माएँ तरबियत करें कुरान पढ़कर, ना टॉम एंड जेरी दिखाकर, ना कोई बच्चे को टैबलेट पे कार्टून और किस्म के घटिया दिखाकर, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं था? बिल्कुल, देखें ये अकीदा ख़त्म नबूवत, ये अकीदा भी है और अकीदत भी है, और इसी के साथ साथ नबी की मोहब्बत जो है वो ईमान का जो है वो सबसे बुनियादी अंसर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाईन। अगर हम शुरू से ही यही बताएं कि ईमान की बुनियाद जो है वो नबी की मोहब्बत है, उस वक़्त तुम इससे कोई शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने वालदेन से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बल्कि पूरे जहान से बढ़कर नबी से प्यार न कर रहे। तो जब हम ये बात समझा दें कि नबी की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है, तो जब नबी से कामिल मोहब्बत हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी नस्लें भी जो है ना वो ख़त्म नबूवत पे भी पैरा देंगी, हुजूर की नामूस पे भी पैरा देंगी, और हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार और इश्क आने वाली नस्लों तक वो इसी तरह चलता रहेगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने बच्चों को और अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत का दर्स देना है। बेशक, अब मैंने जाना जी सना खान की तरफ, और दूसरा आज का सवाल भी बल्कि वापसी भी आपको बताता हूँ जी कि सवाल किसने किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितनी एज है आपकी? बिस्मिल्लाह पढ़े नाथ। रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है, मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है, क्यों मुझको कमी आप हैं, आप हैं क्यों मुझको कमी आप हैं, आप हैं। आसिम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आसिम भाई की तरफ आना है जी मैंने। आसिम भाई थके होंगे आप भी माशाल्लाह से? नहीं नहीं, आप नहीं थके हैं तो आपने क्या? मैं तो नहीं थकता जी, मैं अब आपको बताऊं तो आप कहोगे कि झूठ ही बोल रहा है। वो न्याजी साहब कह रहे थे ना आप सोते कब है। हाँ, तीन ट्रांसमिशन मेरी अभी आपके सामने हो चुके हैं ना, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह चौथी में करके आया था, तो अभी मेरे ख्याल में ठीक है सर। बिस्मिल्लाह, आंखें लाल है माशाल्लाह। लाल तो रहती है ना जी, आंखें लाल ना तो जिंदगी गुजारने का मजा कदर है। बिस्मिल्लाह। सोना बोले ते बन दे सिपारे, सोना बोले ते बन दे सिपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो, वैरियां ने भी तारीफ कीती, हाँ कीती, वैरियां ने भी तारीफ कीती, कमली वाले दकदार वेखो, कमली वाले दकदार वेखो, मस्त अखियां तो वारा सितारे, च
चन भी उंगली दे मन दा इशारे चन भी उंगली दे मन दा इशारे मुस्कुराए ते चानन खिलारे खिलारे मुस्कुराए ते चानन खिलारे कमली वाले दी गुफ्तार वेखो कमली वाले दी गुफ्तार वेखो तो छोटे से ब्रेक की बात नहीं मत चाहिए क्या दोबारा मुलाकात होती है खुश आमदेद कहता हूँ जी खुर्जा फिर आपको और सिलसिला मुलाकातें रमज़ान का जारी और सारी है आज जी हमने अनाउंस कर दिया जी दो हमारे बच्चे जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं और कमाल का दोनों ने जो है तकरीर की कमाल का बच्चे ने जो है नात पढ़ी मोहम्मद असनैन हमारे साथ मौजूद थे और मोबाइल देने का भी सिलसिला जारी और सारी है जी स्मार्ट सेलफोन हम आप लोगों को दे रहे हैं तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पूरे रमज़ान में कॉर्पोरेट किया जिसमें MCC मदीना कैश एंड कैरी वाले हाफिज़ चौधरी उलहक साहब शामिल हैं जिसमें इकरा ड्राइविंग स्कूल वाले इकरा ड्राइविंग स्कूल वाले वही साहब शामिल हैं जिसमें बाकी मुख्तलिफ लोग जो हैं बाहू जी मुखलाओ सलीम भट्ट साहब शामिल हैं चीजेस वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान क्या बात है इन लोगों की और उन्होंने कमाल का काम डिलीवर किया है और मैं चलता हूँ जी नाथ खान की जानिब जिनका नाम है थकालैन कैसे हैं आप ऊँचा बोले ना भाई ठीक ठीक कितना ठीक हो जितना बता रहे हो जी कितनी एज है तुम्हारी 15 बिस्मिल्लाह शुरू करो मेरा हगदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए गुलाम ज़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ गुलाम ज़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए हसन हुसैन का देता हूँ वास्ता उनको हसन हुसैन का देता हूँ वास्ता उनको फकीर आले मुहम्मद में मेरा नाम आए फकीर आले मुहम्मद में मेरा नाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए सुहान ला सलामत रहें आप जाएं तो तैमूर को भेजें ज़रा तैमूर आ जाएं ज़रा जल्दी से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
तू जुक सोने देबूहे ते निगावा दिया वेखी तू जुक सोने देबूहे ते निगावा दिया वेखी तू मंग हसने सदका अतावा हो दिया वेखी तू मंग हसने सदका अतावा हो दिया वेखी और खया कर ऐसे धरती ते धरती ऐसे धरती ते नबी दियाल दाहरदम कबर च अपनिया बंदिया हयावा दिया वेखी सुभानअल्लाह मुफ्ती असद साहब वाला फरमाइएगा कि हमें इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही क्यों है जिसे हम बार 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 ये मुनाफ़त का नाम या कोई भी नाम हम दे दें इसकी वजह से अगर पंगा है तो हम इस पंगे में पढ़ते क्यों हैं। देखें ये आज के दौर की बात नहीं है, नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को अगर परखा जाए तो वहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जो लोग ज़ाहिरन और थे और बातिनन और थे। नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज दौर तक लोगों की रवश रही है कि वो लोग ज़ाहिरन और बातिनन कुछ लोग ऐसे थे जो और रहे हैं। मुनाफ़िकत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा अमल है कि जो कि जहन्नम में जाने का इंसान सबब बनता है। लोग पढ़ते हैं इस अमल के अंदर, इस अमर के अंदर इजतनाब करना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक जो है वो इंसान जब दुनिया के ऊपर रहते हुए उसकी ज़बान कौल और फेल के अंदर तजाद होता है और ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी भी तो ख़राब होती है, आखरत भी ख़राब हो जाती है। हमें जो नबी पाक ने तरीका अता फरमाया, इरशाद फरमाया है कि जैसे इंसान का कौल होना चाहिए वैसे ही इंसान का कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए बल्कि एक ही होना चाहिए। मोमिन की एक जबान होती है, उसकी दो जबानें नहीं होती। लिहाजा इससे बचने के लिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मुनाफ़िकत वाला रवैया छोड़ना चाहिए और सदाकत वाले मामलात के ऊपर आना चाहिए। साहब मुनाफ़िकत कैसे छोड़ें, तेरी माका से भी हम मुनाफ़िकत कर रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल असफल मिनन नार, मुनाफिक जो होगा उसका अंजाम जहन्नम के सबसे निचले दड़े में होगा। और मुनाफिक की मुनाफिकत क्या है, मुनाफिक की तीन निशानियां जो मशहूर हैं, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना सबसे पहले वो गाली देता है, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए उसमें खयानत करता है। अब कुछ लोग इसको ये सोच रहे होते हैं कि मुनाफिकत कर रहे हैं होते हैं लेकिन उनको वो कह रहे हैं हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे, ये बात है ही ऐसी है। अगर आप किसी की पीठ पीछे अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गीबत में भी है, बोहतान में भी है। और अगर आप ये चीज़ें हर बंदा अगर अपने अंदर देखे, फिर अगर अपने घर की अपने बच्चों की सबसे पहले अपने घर को ले अगर इस्लाह ज़रूरी शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से ये मुनाफ़िकत ख़त्म हो सकती है। मुझे सब लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है या रसूल अल्लाह, हम नारा लग गया, कहा हम सर कटवा देंगे अपना, लग गया नारा, बहुत सारी बातें हम ऐसी करते रहेंगे कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। फरमाइएगा ये मुनाफ़िकत के किस ज़ुमरे में आएगा कि 24 घंटे अलार्म नाचना कि मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, नमाज ना पढ़ना, बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, बड़ी मिलाद करवा लेना, बाकी काम ना करना,
बड़ा आश्क रसूल हूँ बेटी के पैदा होने पे गम का इजहार करना, बड़ा आश्क रसूल हूँ बीवी के दिल के दहेज का मांगना, मतलब ऐसी सारी गलासतें हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो फिर हम किस काम के आश्क रसूल हैं? जी बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। गुजारिश ये है कि हमने मिलाद तो मनाया है लेकिन मिलाद वाले को नहीं मनाया है। सबसे बड़ी मुनाफ़त की बात यह है कि हम मिलाद वाले दिन झंडियाँ भी ले लेते हैं, झंडे भी उठा लेते हैं, जुलूस के अंदर भी चले जाते हैं। मिलाद वाले को माना है लेकिन मिलाद वाले की नहीं मानी। जब मिलाद वाले की नहीं मानी तो फिर अपने घरों का माहौल भी हम देख सकते हैं, फिर हमारे माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों को भी अंदर देख सकते हैं। अगर हमने मिलाद वाले की मानी होती ना तो आज हमारी ये हालत नहीं होती कि हम साल के बाद, अब देखें अफसोस की बात है कि साल के बाद मुसलमान मस्जिद में आता है, साल के बाद गोया का पता चलता है कि हम सालाना नमाजी। साल भी हम महीने के लिए नहीं आते, आप पहले दिन जो रश देखेंगे वो आप दूसरे दिन ये कम दिन गुजरते जा रहे हैं और रश आजकल मेरे ख्याल में वही रश है जो पहले वो हुआ करता था। जी बिल्कुल ऐसी है। तो इकबाल ने कहा था ना कि जुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। आज हम जुबानी कलामी आश के रसूल हैं और जुबानी कलामी हम सारे मामलात करते हैं लेकिन हकीकत के अंदर वो ईमान का जो जज्बा है वो हमारे अंदर नहीं है, उसकी कमी है। और हम जब इस मुनाफ़त के अमल से बेजार होंगे, इससे लातलकी करेंगे, और ये वो जहरीला जरासीम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी थे। जब मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान ओद के अंदर हुजूर पर हमला हो रहा था ना, तो मुनाफिक उस वक्त मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे। वो हमारे मुर्शिद गिरामी किबला बाबा जी कमाल की बात फरमा करते थे कि मुनाफिक की अपनी तरजीहात होती हैं, मोमिन और मुनाफिक में यही फ़र्क है। मोमिन वो होता है जो सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार देता है, और मुनाफिक कहता है मेरी मर्ज़ी, ये वो अपनी मर्ज़ी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने मामलात को उसमें दखल अंदाज़ी। मुझसे सब फरमाइएगा मुनाफिकत इस कदर क्यों, मुनाफिक इस कदर क्यों मुनाफिकत करता है? दुनिया से तो चले जाना है, चंद घर हों या चंद गाड़ियाँ हों, फकत दोस्त मिनट का माजरा है और मैयत। राजा साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, मौलाना साहब, मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट, कोई भी नहीं कहता। विद इन टू मिनट यू आर जस्ट अ डेड बॉडी। तो जब डेड बॉडी बन जाना है तो फिर ये लालचे कैसी, फिर ये बगावतें, दो नमरी, फनकारी, मुनाफ़त कैसी? जब वो कहते हैं ना क्यों करें आज नहीं तो कल चले जाना है, तो ये करते क्यों लोग? वजह यह है कि जैसे आप फरमा रहे थे ना कि मुफ्ती हो या जो भी जाए, जितना बड़ा भी हो, जितना बड़ा स्टेटस भी हो, तो रूह जिस्म से निकलती है तो इतनी बात होती है कि मैयत है। तो कम अज कम जिनका कलमा पड़ा है उनकी ज़ात के साथ बंदे की वफादारी और ताल्लुक इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आपका दुनिया से जाना हो ना, तो जो पीछ कमाल ये होता है कि अपने तो मानती है ना, कमाल ये होता है कि वो अरबी का एक जुमला है कि अल फजलो मा शाहिदत बिल अदा, कि कमाल वो होता है कि अपने नहीं बेगाने भी कहे। देखे ना, अब आपकी चैनल की विसादत में एक बात करना चाहता हूँ, किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने व्हील चेयर पर बैठ के वफा की है, जमाना उनकी मिसालें दे रहा है। तो मतलब यह है कि बंदे को हुजूर की ज़ात के साथ इतनी मोहब्बत और मुसलमान को अपने किरदार के साथ इतने मामलात में आगे जाना चाहिए कि गैर भी कहें कि ये हुजूर का गुलाम है। और दिन क़यामत को हिसाब का वक्त हो तो हुजूर ने दूर से निगाह डाले, वो देखो मेरा उम्मती जा, मेरा गुलाम आ रहा है, बुला लो उसको जरा मेरे पास। और मैं कह, ये कैटेगरी में जाने के लिए करना क्या पड़ता है कि वो बुला लो मेरा गुलाम आ रहा है? कोई खास नुस्खा है, कोई इसका कोई फार्मूला है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया ना कि मुझे मेरी उम्मत से ये खौफ नहीं है कि वो मेरे बाद जो है ना वो गुमराही की तरफ जाएगी या वो मेरे बाद जो है वो किसी और तरफ जाएगी, बल्कि मुझे ये खौफ है कि मेरी उम्मत दुनिया के पीछे पड़ जाएगी। जब हमारे अंदर लंबी लंबी उम्मीदें आ जाती हैं ना, जब उम्मीदें आ जाती हैं ना तो वो मौत को भुला देती हैं। जब मौत भूल जाती है तो फिर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से भी भूल जाते हैं। क्यों? हम नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, तो मुहिब जो होता है वो अपने महबूब की अदाओं को अपनाता है, उनको छोड़ता नहीं है। तो जब हम इसका मतलब यह है कि हमारी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात से जो मोहब्बत है ना वो कामिल नहीं है। अगर मोहब्बत कामिल होगी ना तो हम दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते। हो मुसलमान और वो झूठ बोले, और मुसलमान और वो फिर और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है उसको पसी पुश डाले, यानी जुमला मामलात में। अब फर्दन फर्दन एक को गिने तो वक्त मुख्तसर है, यानी अपने उठना बैठना चलना फिरना अपनी गुफ्तो शुनीद नशिस्तन बरखास्तन यानी बैठना उठना सारे मामलात में जब वो अपने मुहिब अपने महबूब को देखेगा तो मैं समझता हूँ कि वो फिर दूसरी तरफ नहीं जा सकता। वही वाला, हम फिर उस तरफ देखते क्यों नहीं? कोई और देखे, हिंदू भी देखे, कोई भी देखे तो करीम आका की जुल्फों की बात करने से कासिर नहीं होता। कोई देख ले आंख भर के तो उन्हीं का हो जाता है। फरमाइएगा फिर हमें ये समझाया पढ़ाया क्यों नहीं जाता स्टार्टर से? मिस्टर चिप्स हमारे लिए ज़रूरी है, मिस्टर फू हमारे लिए ज़रूरी है, बच्चों को डेढ़ डेढ़ सफ़ों के लेक्चर दे दिए जाते हैं, करीम आका की सीरत और किरदार के हवाले से कोई बात करने को तैयार ही नहीं। देखें, इसके लिए बुनियादी बात यह है कि जब हम अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की बात पढ़ाएंगे तो वो बच्चे हमारे लिए एक आइडियल बन जाएंगे। मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर की एक छोटी सी बात सुना दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहबी हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला ने जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में आए तो
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास उनके चचा और उनके वालिद आए उनको वापस लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें, हम आपको पैसे देते हैं और इन्हें वापस कर दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई मैं ये हदिया नहीं लेता, आप ऐसा करें कि हज़रत जैद से ही पूछ लें, ये जाना चाहते हैं तो मैं इनको भेजने के लिए तैयार हूँ, रहना चाहते हैं तो मेरे दरवाज़े से मैं किसी को निकालता नहीं, मैं अपनी उम्मत को कमली के नीचे जगह देने के लिए आया हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात बोली ना, तो हज़रत जैद बिन साबित से पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लम मैं अपना सब कुछ तो छोड़ सकता हूँ लेकिन दरबारे मुस्तफ़ा को छोड़ नहीं सकता, तख्ते सिकंदरी पे वह थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका आका तेरी गली में। तो जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को सीने में बिठाएंगे, अपने बच्चों को ये दर्स पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को ये तरबियत करेंगे, तो जब वो बच्चे हमारे बड़े होंगे तो फिर वो नूरन अला नूर होंगे और उनकी तरबियत इतनी खूबसूरत होगी कि ज़माने के लोग हमारे बच्चों की और हमारे बड़ों की मिसालें देंगे। बिस्मिल्लाह जी, हमारे बच्चों बिस्मिल्लाह। خط میں رسول مکی مدنی کا نین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو دیشان نبی ہے سب لیکن مہراج کا دولہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کانین میں تم سا کوئی جنابِ عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی بسم اللہ علی اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ اتنا تو کرم کیجے مولا اے مدینہ جس سمت نظر ہو ٹھے نظر آئے مدینہ جس سمت نظر ہو ٹھے نظر آئے مدینہ کرنے دو اسے گنبد خضرا کے نظارے کرنے دو اسے گنبد خضرا کے نظارے کرنے دو اسے گنبد خضرا کے نظارے جائے تو کہاں جائے جائے تو کہاں جائے یہ شہدائے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ اور ایک
کے ساغر مخمور مجھے ایسا تا ہو ایک ساغر مخمور مجھے ایسا تا ہو ایک ساغر مخمور مجھے ایسا تا ہو کعبے کو بھی دیکھوں تو کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آئیں گے جی سیاہ رحمان صاحب کی جانے بسم اللہ ضیاء بھائی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے مدینے میں اے میرا چارہ گر مدینے میں منزل و راہبر مدینے میں کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط میرے شام و سحر مدینے میں میرے شام و سحر مدینے نے میں اور کتنی صبح ہے ظہور کرتا ہے ارے جاگنا رات بھر مدینے
ने में जागना रात भर मदीने में, और तूने कुछ भी तो देखने ना दिया है मेरी चश्मे तर मदीने में, है मेरी चश्मे तर मदीने में। और मक्ता समात फरमाइए कि कितने होते हैं खुश नसीब आता, अरे जिनके होते हैं घर मदीने में, जिनके कितने होते हैं खुश नसीब आता, अरे जिनके होते हैं घर मदीने में। सब नजारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे सहारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं, और क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, क्यों ना हो चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके हैं, जब इशारे सब नजारे हुजूर आपके हैं, और सब सहाबा हुजूर के आशिक, सब सहाबा हुजूर के आशिक, सब सहाबा हुजूर सभी प्यारे हुजूर आपके हैं, सभी प्यारे
के हैं सब नजारे हुजूर आपके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? फरहान हजारवी। एज क्या आपकी? मेरी एज 17 साल। फ्रेंड क्या कहोगे हत्म नबूवत के हवाले से आप? لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی لا نبی جا بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی جا بعدی आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से अगर मैं एक शेर के ज़रिए पैगाम देना चाहूँ तो यही कहूँगा कि मदहोश नहीं बेदार हैं हम, मदहोश नहीं बेदार हैं हम, ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं हम, समझे न कोई गाफिल हमको, समझे न कोई गाफिल हमको, ख़त्म नबूवत के पहरेदार हैं हम। आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने खुद इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबीजीना ला नबीजा बादी, लोगों में आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये जो आका इमामुल अंबिया ने फरमाया तो जो रियासत मदीना थी मेरे आका की, उसमें आका इमामुल अंबिया की रियासत का ये कानून था कि मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु, जो भी आका इमामुल अंबिया की गुस्ताखी करे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर हमला करे, डाका डाले या ये कहे कि मैं नबी हूँ, तो आका इमामुल अंबिया की उस रियासत में ये कानून था कि जो भी दावा करे मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु, उसे कत्ल कर दिया जाए। आका की ज़ाहरी हयात के बाद खलीफा अव्वल बिला फसल अफजलुल बश्र बाद अंबिया बिततहकीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना आया, आपने मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग यमामा में 1200 सहाबा को शहीद कराकर यह पैगाम दिया कि अगर मुस्तफ़ा के दौर में रियासत मदीना का कानून ये था कि मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु, तो खुलाफाए राशिदा के दौर में भी यही कानून है मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु। तो यहाँ मैं अपने ऊपर और अहलियान पाकिस्तान को ये बता रहा हूँ, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि वो रियासत जो रियासत मदीना के नाम पर बनी, दूसरी ये रियासत है कुर्राए अर्ज पर जो नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई रियासत मदीना पाकिस्तान जिसका नाम है। अब ये पाकिस्तान में 1973 में, क्योंकि आज आईने पाकिस्तान की सिल्वर जुबली भी गुजरी है, तो उस हवाले से बता रहा हूँ, हमें फ़ख्र है कि हमने रियासत मदीना के नज़रिए पे पाकिस्तान को बनाया, तो इसी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के फ्लोर पर अहल सुन्नत के कायदीन ने अशा इमाम अहमद नूरानी सिद्दीक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह कानून पास करवाया कि मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु, यानी वो कानून जो आका के दौर में था, वह कानून जो खुलफाए राशिदीन के दौर में था, वही कानून अब पाकिस्तान में भी है। आका के दौर में भी कानून था मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु, आका इमाम अल-अंबिया के खुलफाए राशिदीन के दौर में भी यही कानून था मन सब्बा नबीजन फक्तुलुहु, और आका के उस दौर के बाद अब पाकिस्तान में भी कौमी सतह पर नेशनल सतह पर यह कानून है कि जो भी मेरे मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हुजूर वाला मैसेज आपसे लूँगा हतम नबूवत का, जो आज हम टॉपिक लेके चले हैं उस हवाले से। बिस्मिल्लाह, आज का मैसेज ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, तो हमें दामन मुस्तफ़ा को थामना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पे जाना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी और आखरत नूर अला नूर हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने सीने में बिठाना होगा। और ये सबक हमें हज़रत अब्दुस्सत्तार नियाज़ी अलैहि रहमान ने भी दिया है कि जब आपने नमूसे रिसालत के ऊपर पैरा दिया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब फांसी की सज़ा सुनाएगी तो आपको कहा कि हम आपको फांसी दे देंगे, तो आपने तारीखी जुमला बोला था, आपने फरमाया था कि कयामत तक मेरे ये अल्फाज याद रखे जाएंगे, ये तो मेरी एक जान है, अगर लाख जान भी होती तो मैं नबी के नाम के ऊपर कुर्बान कर देता। यह है नमूसे रिसालत, यह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हसीन हो, हम ये चाहते हैं
कि हमारी कब्र रोशन हो, हम ये चाहते हैं हमारी आखरत बेहतर हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी और आखरत में कामयाबी हमारे कदम चूमे, तो दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाना होगा, नबी पाक की मोहब्बत को अपने सीने में बिठाना होगा। आपकी तरफ आऊँगा, बड़े कमाल के अंदाज से किबला फरमा रहे थे कि आका की ज़िंदगी को अपनाना होगा और ये मामलात करने होंगे। फरमाइएगा कि हम कहाँ पे ज़िंदगी नहीं अपना पाते, अमलन तो हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अमलन तो हम रोज़े रख रहे हैं, अमलन तो हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आता है। इसके साथ मैं ये जोड़ूंगा कि बीकन हाउस में पढ़ने वाले बच्चे मुल्क से बाहर चले जाते हैं जब क्वालिफाइड होते हैं। एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब मैट्रिक पास करता है तो इस शौक में होता है कि काश मैं अपनी आर्मी का हिस्सा बन जाऊँ, पुलिस का हिस्सा बन जाऊँ, मुख्तलिफ इदारों का हिस्सा बन जाऊँ। ये जो एजुकेशन है जिसे हाईली एजुकेशन हम कहते हैं, वो हमें ख़राब तो नहीं कर रही? गुजारिश ये है कि सबसे पहले आपके सवाल के पहले इसी का जवाब अर्ज करूँ कि आपने जो फरमाया कि कमी कहाँ पर है, तो असल में जो हमारी कमी है वो दहलीज़ मुस्तफ़ा से दूरी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारा जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर है। और इमाम मालिक, आज के टॉपिक के हवाले से अर्ज़ करूँ, इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला से खलीफा हारून रशीद ने पूछा और यही सबक चलता चलता फिर उम्मत तक हुज़ूरत इदारे गोरड़ा तक भी यही पहुँचा है। और आप गोरड़ा शरीफ से जाकर मिर्ज़ा कादियानी को लगाम डाल के हुज़ूर की ख़त्मे नबूवत पर पहरा देके, इन सारे नफूस कुदसिया जिन्होंने भी हुज़ूर की ख़त्मे नबूवत पर पहरा दिया, हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन तक, सबका पैगाम एक ही है। वो पैगाम इमाम मालिक ने जब खलीफा हारून रशीद से पूछा ना कि हुज़ूर की जब गुस्ताखी हो जाए और माज़ल्ला हुज़ूर के बारे में कोई बंदा नाज़ेबा कलिमात कह दे तो फिर उम्मत को क्या करना चाहिए, तो इमाम मालिक ने एक जुमले के अंदर अपनी बात समझाई, फरमा मा बका उम्मत बाद दशत में नबिया। जब ताजदारे कायनात की गुस्ताखी हो जाए तो फिर हुज़ूर की उम्मत पर लाजिम है कि वो गुस्ताख से बदला ले या सारी उम्मत फिर मर जाए। अगर इज्जत से जीना चाहती है उम्मत, इज्जत से जीना चाहती है, शान के साथ जीना चाहती है, तो उसे अपने नबी की ख़त्मे नबूवत पर पहरा देना, उन्हें उसे नामूस रिसालत का तहफ़ करना होगा, उसे फिर इस्लाम की सरहदों की चौकीदारी का पहरा देना होगा। हज़ारवी साहब कमाल फरमाया उन्होंने कि चौकीदारी और पैरा बड़ा ज़रूरी है। हम चौकीदारी और पैरा देना चाहते हैं या देते हैं, तो क्या उसका सही मानों में तरीका यही है रोड ब्लॉक करना, टायर जलाना, गरीब की एम्बुलेंस आ रही है उसको रोक लेना, शीशे तोड़ देना और या दो चार रक्षे गाड़ियां जला देना, यही है सही अमली दफा यही होगा? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस मसले को समझना ज़रूरी है कि ख़त्मे नबूवत ये ईमान की बुनियाद है, ये ईमान की असास है। हमने अपने बच्चों को ये बताना है कि ख़त्मे नबूवत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उसके बाद किसी नबी ने आना नहीं है, और अल्लाह के नबी का ये फरमान है कि मेरे बाद जो है वो 30 दज्जाल आएंगे और वो सारे नबूवत का दावा करेंगे और सारे झूठे होंगे, मैं खातमुन नबियून हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये मसला हमने समझाना है अपने बच्चों को, अपने घर से शुरू करना है, क्योंकि आज मुख्तलिफ रूप में हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को वरगलाया जा रहा है। जब हमारी नस्लें दाएँ बाएँ चली जाती हैं और उनको यानी और लालच में आकर, और ये मसला भी जहन नशीन रहना चाहिए, देखें यह दुनिया इधर, जैसे कि आपने कहा है कि दुनिया इधर ही रहनी है, ये मालो दौलत, ये रिश्ते की लालचें, ये बंगले कोठियाँ, ये गाड़ियों की लालचें, इस जैसे भी आज मुसलमान परेशान है, तो ये देखिए ख़त्मे नबूवत ईमान की असास है, ये मसला समझने की ज़रूरत है। जब ये मसला समझ आ जाएगा सबको, तो ना हमें रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे, ना हमें और कुछ करना पड़ेगा, बल्कि हमें हमारे दिल में नबी की मोहब्बत आ जाएगी। गुजारिश ये कि आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा मैसेज है कि हुज़ूर की उम्मत को हुज़ूर की ख़त्मे नबूवत पर ऐसे पहरा देना होगा जैसे सीना सिद्दीक़ अकबर ने दिया, जैसे फारूक आज़म ने दिया, और फिर चलते चलते ये सिलसिला फिर हुज़ूर ताजदारे गोरड़ा तक पहुँचा। और आपने गोरड़ा शरीफ के रेलवे स्टेशन से जाती हुई एक तारीखी जुमला कहा था, आपकी विसादत से अलियाने पाकिस्तान और जहाँ तक सुन रहे हैं, आपने कहा था कि जब आपको लोगों ने कहा ना कि आप फकीर लोग होते हैं और फकीरों का काम होता है हुजरे में बैठ के रब रब करना, फकीरों का काम होता है तस्वीर उनके हाथ में होनी चाहिए, तो हुज़ूर ताजदारे गोरड़ा ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, आपने फरमाया था हमसे ऐसी भी गैरत फकीरी नहीं हो सकती कि हुज़ूर की ख़त्मे नबूवत का मुनकर मैदान में रहे और हम अपने दरबार पर आस्ताने पर बैठे रहे। बुरा कहे तो दूसरा यार कैसे बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो हम तो यार भी नहीं, हम तो गुलाम है, हम तो कुत्ते वाले हैं, कुत्ते के बाद हम नौकरों के भी नौकर, हम तो भौंकने वाले कुत्ते हैं, और काश ये भोकना हमारा करीम आका के लिए हो, कबूल हो जाए। सुभानअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अदारी साहब, हम अगर कैटेगराइज करें चीज़ों को, हम बात करते हैं कि हम उनके कुत्तों हैं वगैरह वगैरह, मैं फिर वही बात करूँगा कि ड्रामे आजकल के हमारे देखें, हम टीआरपी उसको दे रहे हैं, हमारे इंटरटेनमेंट के ड्रामे देखें, हमारे ओन दैट टाइम आप देखें कि किस तरह की कंडीशन जा रही है, पूरा रमज़ान लोगों को 30 दिनों का एपिसोड दिखाएगा, तो मतलब हम किस लो कैटेगरी के आशिक हैं कि रमज़ान में भी हम पैसा कमा रहे हैं और सारे मुसलमान?
देखिए बात वही है, डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नबी की मोहब्बत को कामिल बनाना है, अगर नबी की मोहब्बत कामिल होगी ना तो हमारे जुमला मामलात यानी मामलात और हमारी इबादत तब हमें फ़ायदा देगी जब हमारे मामलात दुरुस्त होंगे। तो हमारे मामलात तब दुरुस्त होंगे जब नबी से मोहब्बत कामिल होगी। जब नबी से मोहब्बत कामिल होगी तो नबी की सीरत हमारे सामने होगी, हर मोड़ पे हमारे सामने होगी, वालिद होने के एतबार से, औलाद होने के एतबार से, पड़ोसी होने के एतबार से, मुअल्लिम होने के एतबार से, यानी जहाँ जहाँ भी है जो शख्स जहाँ जिस सतह पर काम कर रहा है, चाहे वो ताजर है चाहे वो हुक्मरान है, मसला सिर्फ इतना है कि नबी की मोहब्बत कामिल नहीं हो रही। वो डॉक्टर इकबाल ने भी यही पैगाम हमें दिया था ना कि मौत से डरता नहीं ये फाका कश ज़रा भी, इसके जिस्म से रूह मुहम्मदी को निकाला जाए। इस बात की ज़रूरत है कि नबी की मोहब्बत जो है ना हमारे दिल में कामिल होनी चाहिए। जब नबी की मोहब्बत कामिल होगी तो फिर हमारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, फिर हम औलाद की तरबियत भी अच्छी करेंगे, फिर ये यानी नबी का उम्मती होकर जो नबी हमें यानी पैदाइश से लेकर दुनिया में ज़ाहरी पैदाइश से लेकर ज़ाहरी विसाल तक हमें नहीं भूले और कब्र में भी नहीं भूलते। आप देखें ना जब बंदा कब्र में जाता है तो सबसे पहला दीदार, तो हमें ये सोचना होगा कि जहाँ हम दुनिया के मामलात में इधर उधर जा रहे हैं ना तो कब्र में हमें किसी ने सामने नहीं आना, हमारे सामने सिर्फ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत आएगी और सवाल पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था, इस हस्ती के ऊपर, इस हस्ती की सीरत पर, इस हस्ती की नामूस पर दुनिया में हमले होते थे, इस हस्ती की खत्म नबूवत पर हमला होता था, आपने क्या किरदार अदा किया, इसके बारे में आप क्या कहते थे। तो इस बारे में मेरा यही पैगाम है कि नबी की मोहब्बत को कामिल बनाया जाए। सुभान अल्लाह, कामिल बनाया जाए। हुजूर वाला मुझे ये बताइएगा, आप इतने जंग गए, आपने ये बहुत सारी चीज़ें जो है आज फरमाई, ये नॉर्मल बच्चे के दिमाग में कैसे क्लियर करें, जो दीन का इतना नहीं वो इंस्टाग्राम का नॉलेज रखता है, जो नमाज के अलावा फेसबुक 24 घंटे देखता है, उसके दिमाग कैसे इस हवाले से क्लियर करें। देखिए अकीदा खत्म नबूवत को अगर हम अपनी औलाद को सिखाना चाहते हैं, हम अपनी औलाद के जहन में अकीदा खत्म नबूवत की हसास को डालना चाहते हैं तो उसकी एक ही बात है, क्योंकि ये जो वक्त है इस वक्त में हम देखते हैं कि कादियानियत की कई तरह से यलगारे हैं। इस अहद हाजर से बात कर रहा हूँ, कादियानियत की कई यलगारे हैं। अब हम अकीदे ख़त्म नबूवत अपने बच्चों को ये 12 चीज़ें याद करा दें कि देखो बेटा कि वो एक दावा नहीं करते कि मैं नबी हूँ, उसने अपनी किताब में हर झूठ बोल रखा है, जब बात करो वो आगे से मुकर जाते हैं और अलग बात को दिखा देते हैं। उसने पहला दावा किया था मुजद्दीदियत का कि मैं मुजद्दिद हूँ, फिर हालात साजगार हुए, फिर उसने दावा किया मुहद्दिसियत का कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, फिर जब उसके लोग और चाहने वाले हो गए तो फिर उसने दावा किया था महदवियत का कि मैं इमाम मोहम्मद महदी हूँ, फिर जब उसे लोग फिर मानना शुरू हो गए फिर उसने दावे को चेंज किया और कहा मसलियत मसीह हूँ, कैटागोरिकली कहा कि सिमिलर टू मसीह, जब लोग फिर उसके चाहने वाले हो गए तो उसने कहा मैं ऐन मसीह हूँ, जब ये दावा किया तो फिर उसने साथ ही दावा किया कि मैं हज़रत मसीह मऊद से भी अफजल हूँ, जब फिर लोग उसके चाहने वाले हो गए उसने अपना दावा फिर बदल दिया और उसने बताया कि मैं जिली नबी हूँ, आका इमामुल अंबिया के साए में नबी बन गया, जब लोग फिर चाहने वाले हो गए तो उसने बताया कि मैं मारूजी नबी हूँ, जब लोग फिर चाहने वाले हो गए तो उसने फिर दावा किया कि मैं गैर हकीकी नबी हूँ, जब गैर हकीकी नबी का दावा किया लोग उसके फिर चाहने वाले हो गए, फिर उसने आखिरी दावा किया कि मैं हकीकी नबी हूँ, जब लोगों ने उसे नबी भी मान लिया फिर उसने दावा किया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी अफजल हूँ, खुदा उस पर लानत करे और लानत कर चुका है। ये जो उसने 12 दावे किए, ये 12 दावे हमें अपनी औलाद को सिखाने चाहिए। जब ये 12 दावे हमारे जहनों में होंगे, हमारे बच्चों को अजबर याद होंगे, फिर हमारे बच्चे ये समझ जाएंगे कि अगर होता मिर्ज़ा खुदा का नबी तो न मरता बोलो बराज में ये कंजर कभी। ये 12 दावे जो उनकी यलगारे हैं, उनकी किताबों में मौजूद हैं कि वो अपने दावे से मुनहरिफ होकर दूसरा दावा दिखा देते हैं, ये 12 दावे हमें अजबर होने चाहिए, फिर हम इस यलगार से बच सकते हैं और अकीदा खत्म नबूवत हमारे मुआशरे में आम हो सकता है। तो फिर इसका आगाज़ कहाँ से करें? इसका आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए, हमें अपनी औलाद को सिखाना चाहिए, फिर हमें अपनी रियासत से करना चाहिए और हमारे निसाब में अकीदा ख़त्म नबूवत की एक मुकम्मल अलग से किताब होनी चाहिए और पूरा अकीदा ख़त्म नबूवत उसमें होना चाहिए। आका इमामुल अंबिया की अहदीस होनी चाहिए, आका इमामुल अंबिया के कल्ब अतहर पे नाजिल होने वाला कुरान होना चाहिए, क्योंकि कुरान की मुतअद्दद आयात आका इमामुल अंबिया की ख़त्म नबूवत की दलील है। और मैं तो यूँ कहा करता हूँ कि सारा कुरान मेरे आका की ख़त्म नबूवत की दलील है, क्योंकि वो कुरान मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ,
وہ قرآن میرے مصطفیٰ کی لسان سے ادا ہوا, کوئی اور ایسی لسان نہیں, کوئی اور ایسا قلب نہیں کہ جس قلب پر وہ قرآن آ سکے, کوئی اور ایسی لسان نہیں کہ جس لسان سے وہ قرآن ادا ہو سکے. اس لیے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے, اپنی سوسائٹی سے, اپنے خاندان سے, اپنے ملک سے, پھر عالمی سطح پر اس ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کرنا چاہیے. اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے کوئی دو ایسی دلیل دیں کہ اس کے بعد میرا ایمان پکا ہو جائے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ تو آپ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف لے کے جاؤں گا کہ آپ کو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے کذاب مسلمہ کی طرف بھیجا. تو اس نے حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حبیب بن زید الانصاری, آپ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا, ہاں میں آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اس نے پھر پوچھا, کیا آپ مجھے بھی نبی مانتے ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید الانصاری نے کہا کہ آپ کی آواز میں نے سنی نہیں, میں بہرا ہو چکا ہوں. تو اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری سے پھر پوچھا کہ آپ مجھے نبی مانتے ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ میں بہرا ہو چکا ہوں. اس نے ایک عضو کاٹا, پھر سوال پوچھا, آپ نے پھر جواب دیا میں بہرا ہو چکا ہوں. اس نے پھر ایک عضو کاٹا, حضرت حبیب بن زید انصاری کا ایک عضو کاٹتا گیا. حضرت حبیب بن زید انصاری یہ کہتے گئے کہ میں بہرا ہو چکا ہوں, تیری یہ گلیز آواز میں نہیں سنتا, میری سماعت میں آتی ہی نہیں. تو اس وقت اس نے ایک عضو کو کاٹتا رہا, یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو اگر میں دوسری دلیل کی طرف آؤں تو حضرت معاذ اور ماؤز کی طرف آ جائیں. آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو چن رہے ہیں, صحابہ کو فرماتے ہیں ابو بکر آپ بھی آگے آ جائیں, عمر آپ بھی آگے آ جائیں, عثمان آپ بھی آگے آ جائیں, علی آپ بھی آگے آ جائیں, جنگ کے لیے چن رہے ہیں. ایک صحابی تھے بوڑھے, فرمایا آپ بزرگ ہیں پیچھے چلے جائیں. انہوں نے اسرار کے حضور میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں, فرمایا آ جائیں آپ جنگیوں کو, سپہ سالاروں کو پانی پلا دینا. چلتے چلتے میرے آقا کی 13 سال کے بچے پہ نظر پڑی, آقا نے فرمایا آپ پیچھے چلے جائیں. پھر اس نے کہا حضور میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں, فرمایا آ جائیں. ساتھ ایک اور صحابی پہ نظر پڑی, وہ اس سے بھی چھوٹا تھا, فرمایا آپ پیچھے چلے جائیں. تو جب معاذ کو پیچھے بھیجا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میرے بھائی کو منتخب فرما لیا, مجھے چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا آپ چھوٹے ہیں, فرمایا حضور میں طاقت میں ان سے زیادہ ہوں, حضور آپ کشتی کروا لیں. حضور نے یہ کشتی کروائی دونوں بھائیوں کے درمیان. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا, بھائی میں جانتا ہوں تو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے, تو مجھے ہرا دے گا, مجھے زیر کر دے گا, لیکن اگر تو خود ہار جاتا ہے تو مصطفیٰ نے تجھے چن لیا, تیرا کچھ نہیں جاتا, اگر تو ہار جائے گا تو مصطفیٰ مجھے بھی جنگ کے لیے چن لیں گے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کشتی کرائی تو چھوٹا بھائی جیت گیا, بڑا بھائی جان کے ہار گیا. تو اس وقت مصطفیٰ کریم نے دونوں کو چنا. تو جب دونوں کو چنا تو جب دونوں جنگ میں پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دونوں بھائی نے پوچھا, اس جانب سے دائیں جانب سے میری قمیض کھینچی, میں نے نیچے دیکھا, میں نے پوچھا جی, تو بچوں نے کہا ان میں سے ابو جہل کون ہے, اور بائیں جانب سے قمیض کھینچی, میں نے نیچے دیکھا تو بچہ کہتا ہے ان میں سے ابو جہل کون ہے. میں نے کہا دونوں کو ابھی انگلی کے اشارے سے بتایا کہ وہ فلاں گورے پہ جو سوار ہے وہ ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میری انگلی نیچے نہیں آئی تھی, یہ دونوں بچے اس پر جبر پڑے اور اس ابو جہل کو واصل جہنم کر گیا. یہاں سے وہ شاعر کہتا ہے کہ تقاتل فی سبیل اللہ و اخرا کافرا, دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھی, ادھر صفے باندھے کھڑے تھے شیطان کے بندے, ادھر صفے باندھے کھڑے تھے رحمان کے بندے, ادھر مردود تھے ادھر صاحب درود تھے, ادھر کثرت تھی ادھر وحدت تھی, ادھر ابو جہل تھا ادھر اللہ کا سجدہ نور مبی تھا, اور قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. یہ ختم نبوت یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اور جیسا کہ کافی سارا خطبہ نے یہ بیان کر دیا ہے اسکالر حضرات نے کہ یہ انٹرنیشنل سطح پر اور یہ ہماری جو ہے قومی اسمبلی میں یہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے کہ جو قادیانی ہے, جو ہماری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں,
ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. اور آئین پاکستان کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر نہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں, نہ اپنی کوئی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں, اور نہ اپنا لٹریچر شائع کر سکتے ہیں. تو ہم نے کڑی نگاہ رکھنی ہے. دیکھیں, بڑے لالچ دیے جائیں گے, رشتے کا لالچ دیے جاتے ہیں, کوٹھی بنگلے کا لالچ دیا جاتا ہے, باہر کے ویزوں کا لالچ دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں, یہ ساری چیزیں یہاں رہنی ہیں. ہم نے اپنی مجالس کو دیکھنا ہے, محفلوں کو دیکھنا ہے, قرب و جوار کو دیکھنا ہے. جو بندہ اگر جن کا شمار ان میں ہو رہا ہے, ان کا ان میں ہو رہا ہے, ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے, اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے. کیونکہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا, صحبت صالحہ صالح اند, صحبت طالحہ طالح اند. ہم اچھے لوگوں کی, اچھے عقیدہ رکھنے والوں کی ہم صحبت اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان بھی پکا ہوگا, ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا. آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا کریم مالک, تجھ سے جو مانگ سکے وہ اپنی جناب سے عطا فرما. یا مالک, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یا مالک, تو مشرق و مغرب کا مالک ہے, ہم گناہ گار ہیں, بدکار ہیں, سیاہ کار ہیں. مولا تو بڑا غفور الرحیم ہے, تو جس کو نوازتا ہے پورا در پوری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے. یا مالک, ہم سب کو کسی کا غلام نہ بنانا. یا مالک, کسی کا محتاج نہ کرنا. یا مالک, اس ادارے میں جو بھی کام کر رہے ہیں صدار خان نیازی صاحب سے, کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک, میرے والدین یا جو جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, سب کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرما. اور جن کے والدین دنیا میں جا چکے ہیں, یا اللہ پاک, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ, اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا مالک, اتنی توفیق عطا فرما کہ تیرے محبوب کی ختم نبوت پہ ایک ہم اچھا اور کلیدی کردار ادا کر سکیں. اپنے محبوب کے ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما میرے مالک. مالک, اس پل کے پاکستان کی خیر فرما, اس کو امن کا گہوارہ بنا. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.